स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी 3.0 पे। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था, बहुत सारे दोस्त कमेंट करते रहते हैं कि सर SSB के बारे में हमें बताइए कि SSB में सैलरी कितनी मिलेगी, सर SSB हेड कांस्टेबल में हमें क्या काम करना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं आज देना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो भी फ्रेंड्स SSB हेड कांस्टेबल में SSB ट्रेड्समैन में फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी सी गलती है तो चल जाएगी बट फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, एडमिट कार्ड आएगा, ये आप लोग जान लीजिए। चलिए दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि SSB हेड कांस्टेबल में काम क्या करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को पता है कि SSB हेड कांस्टेबल के लिए आप लोगों को 12वीं होना चाहिए, इसके बाद आप लोगों को जो 1600 मीटर का रनिंग पास करना पड़ेगा, फिर एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट और मेडिकल और रीमेडिकल एक साथ ही होगा। क्या दोस्तों पता लग गया आप लोगों को? चलिए दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। देखिए SSB हेड कांस्टेबल का वर्क क्या है, GD का वर्क क्या है, तो उसका काम है ड्यूटी करना, कहाँ तो जनरल ड्यूटी करना। और आप लोगों को देख लिया कि नेपाल भूटान बांग्लादेश यहाँ पर SSB अपना आंतरिक सुरक्षा करती है, और बॉर्डरों पर जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, यहाँ सब अपना करती है ड्यूटी। चलिए दोस्तों SSB हेड कांस्टेबल का जो वर्क होता है वह क्या होता है, वह वर्क होता है कि जैसे जवान है, एक बटालियन है, तो उस बटालियन में जैसे एक कैंप है तो कैंप में आपका काम रहेगा यदि आप SSB हेड कांस्टेबल हो तो, और वहाँ से आपको जो भी आपके नीचे होंगे जैसे GD हो गए, ट्रेड्समैन हो गए, उनकी छुट्टी कब करवानी है, क्या उसका वेतन है, क्या उसका प्रमोशन कब होगा, क्या होगा, सारा इन्फॉर्मेशन उनको करवाना। और छुट्टी में जैसे आपको कोई छुट्टी है तो कोई आपको छुट्टी को किसी को छुट्टी रिलीज करना, आगे तक भेजना, और यही SSB हेड कांस्टेबल का काम होता है। और जैसे कोई बटालियन है उस बटालियन का सारा देख रेख आपके जिम्मे पर होगा, जो आप उसको कहाँ ले कब ले जाना है, उस बटालियन को कहाँ कब ड्यूटी लगवानी है, कब कार्यरत करना है, कब उसको कार्यरत करना है, कब किसकी छुट्टी होनी चाहिए, ये सारी देखभाल आपकी होगी। और आपको एक ऑफिस में क्या कर दिया जाएगा, आपको एक ऑफिस मिलेगा, ऑफिस में टेबल रहेगा, वहाँ पर आपका एक कंप्यूटर सिस्टम रहेगा, और वहाँ पर आपको आराम से उसमें जॉब करना है। समझ जाइए दोस्त, सरल भाषा में हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि आराम से समझिए ऑफिस वर्क है SSB हेड कांस्टेबल, समझ लीजिए। GD की तरह नहीं कि आपको पूरा दिन ड्यूटी करना पड़े, 8 घंटा जो ड्यूटी होती है वह ड्यूटी करना पड़े। और दोस्तों सबसे अच्छा जॉब है SSB हेड कांस्टेबल। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि आप लोगों को सैलरी कितनी दी जाती है, तो दोस्तों इसका जो सैलरी है वह है 81,100 सैलरी है, और इसकी सैलरी आप लोगों को जो अलग अलग लोकेशन पे बढ़ती और घटती रहती है। तो दोस्तों आप लोगों को हम सरल भाषा में समझा दीजिए कि SSB हेड कांस्टेबल का वर्क क्या होता है, ऑफिशियल वर्क है, ऑफिस में रहना है, कब किसका छुट्टी पास करवाना है, और आपको सारा कार्य जैसे कोई रिक्वायरमेंट हुआ तो उसमें आपको देख रेख करना है, और जैसे ही असिस्टेंट कमांडेंट हुआ, कमांडेंट हो गया तो उसके नीचे आपकी रहेगी, आप उससे प्रमोशन करके असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो, और असिस्टेंट कमांडेंट से प्रमोशन करके कमांडेंट बन सकते हो। तो ध्यान समझ गए दोस्तों आप लोग कि SSB हेड कांस्टेबल का क्या वर्क होता है। तो बहुत सारे दोस्त कमेंट करते थे कि सर एक बार आप अपनी भाषा में समझाइए SSB हेड कांस्टेबल का वर्क क्या होता है। तो दोस्तों हम आप लोगों को अपनी भाषा में समझा दिए कि वो इसका वर्क ऑफिशियल वर्क है, आरामदेह वर्क है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं, और सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है 81,100। तो चलिए दोस्तों यही थी जानकारी, और बता दें कि जब एडमिट कार्ड आएगी तब हम आप लोगों को फटाफट बता देंगे कि एडमिट कार्ड आ गया है, आप लोग तैयारी में लग जाइए, और तैयारी में अभी भी लग जाइए क्योंकि एडमिट कार्ड कभी भी रिलीज हो सकता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।